22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराना कांग्रेस को भारी पड़ गया। आलाकमान के फैसले के खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद होने लगी है। खास बात यह है कि बगावत की यह आग सिर्फ एक प्रदेश तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट में देखिए। पर सियासत जारी, निमंत्रण ठुकराना पड़ने लगा भारी, कई राज्यों में उठने लगी बगावत के स्वर। वक्त रहते जाओ सुधर, 24 के संग्राम में बुरा होगा अंजाम, साफ दिखेगा न्योता ठुकराने का परिणाम। जहां तक निमंत्रण का सवाल है, इसको ठुकराने का क्या मतलब है? हम क्या संदेश दे रहे हैं? जो नुकसान होना था हो चुका है और चुनाव में दिख जाएगा। जय श्री राम, कांग्रेस में कोहराम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के निमंत्रण ठुकराने के बाद कांग्रेस में कलह मची हुई है। कई राज्यों में बगावत के स्वर फूट पड़े हैं। जिन राज्यों में बगावत के स्वर बुलंद होने लगे हैं, उनमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं, जहां कांग्रेस का ठीक ठाक वजूद रहा है। सबसे पहले बात राजस्थान की, जहाँ कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रभु श्री राम की भक्ति में रंग गए हैं। जी हाँ, कोटा में राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के तीखे तेवर देखने को मिले। यह 11 जनवरी को कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पार्टी के इस फैसले से नाराज होकर अपनी पार्टी से ही किनारा कर लिया। राम मंदिर उद्घाटन का 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है, उस नोते को इन्होंने ठुकराया, उससे हाथ धोकर मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। और ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता दिख जाती है कि ये सनातन विरोधी है। इससे पहले कांग्रेस इस बगावत की आग पर काबू पाती, आग भड़कने लगी। 13 जनवरी को गोंगुदा में कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया। करदा से कांग्रेस मंडल अध्यक्ष शंभु सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मैं कांग्रेस पार्टी के मंडल अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। सुबह क्या हुआ, मैं टीवी न्यूज देख रहा था और भगवान राम का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का था प्रोग्राम, तो न्यूज में मीडिया वाले बोल रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण को हमारी पार्टी के हाईकमान ने अस्वीकार, निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। तो वहाँ से मेरा मूड खराब हो गया। फिर मेरे कई लोगों को फोन आने लगे कि शंभु सिंह जी, ऐसी पार्टी में रह रहे हो यार, कोई धर्म का काम हो रहा है और वो निमंत्रण आपकी पार्टी ठुकरा रही है, फिर आप कांग्रेस पार्टी में रह रही है और फिर आप लोग हमारे पास आके वोट मांगते हो, तो थोड़ा मुझे समझिए। राजस्थान कांग्रेस में छिड़े घमासान के बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर न्योता ठुकराने पर पार्टी का स्टैंड दोहराया। मंदिर में जाने के लिए किसी पूछना पड़ता है क्या? किसी मंदिर, किसी धर्म के मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में कोई जाए अगर मान लो इबादत करने के लिए, तो पूछ के जाएंगे क्या? पूरी जरूरत नहीं है। और ये प्रोग्राम क्योंकि RSS और BJP का प्रोग्राम बन गया है, तो आप बता दीजिए कि उसमें कांग्रेस वाले कैसे जाते हैं। मतलब कांग्रेस का मतलब कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी जी, वो कैसे जाते? प्रोग्राम तो RSS BJP का है, इसलिए उन्होंने कहा है। आस्था सबकी है, पूरे देशवासियों में आस्था राम मंदिर में है। राजस्थान से भी पहले गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोडवाडिया ने न्योता ठुकराने के कांग्रेस आलाकमान के फैसले पर सवाल उठाया था। अर्जुन मोडवाडिया ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, भगवान राम भारत में भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, यह भारत के लोगों के विश्वास और आस्था का मामला है। कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से बचना चाहिए था। इसके बाद हिमाचल प्रदेश इकाई की प्रमुख प्रतिभा सिंह ने मंदिर निर्माण की पहल के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करके कांग्रेस को असहज कर दिया। विरोध करने वाले नेताओं में एक नाम लक्ष्मण सिंह का भी जुड़ गया है। लक्ष्मण सिंह कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि राम मंदिर का न्योता ठुकराना कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी पड़ेगा। जहां तक निमंत्रण का सवाल है, इसको ठुकराने का क्या मतलब है? हम क्या संदेश दे रहे हैं? जब राजीव गांधी जी ने वहां ताला खुलवाया था, तो आप कौन है मना करने वाले? और इस तरह के सलाहकार अगर रखेंगे, हमारा नेतृत्व रखेगा, तो फिर क्या कहेंगे? जैसे परिणाम आ रहे हैं वैसे आते रहेंगे। जो नुकसान होना था हो चुका है और चुनाव में दिख जाएगा।
आपको बताते चलें कि बुधवार को कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह बीजेपी और आरएसएस का राजनीतिक प्रोजेक्ट है, जिस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। जिसके किस्मत में होता ना, वही राम के दरबार में जा सकता है, उनके भाग्य में नहीं है राम के दरबार में पहुंचना। और निश्चित रूप से ये एक निम्नता है पॉलिटिक्स की कि भगवान श्री राम हम सब के आराध्य देव हैं, और उसके अंदर इस तरह की पॉलिटिक्स करना मुझे लगता है कि इनके पतन का ये कारण बनेगा आने वाले समय के अंदर। वैसे भी इनको भगवान राम में विश्वास था नहीं, क्योंकि इन्होंने भगवान राम को काल्पनिक बताया था। कांग्रेस की मानसिकता मुझे लगता है राम विरोधी रही है, और उसी वो बरकरार रखना चाहते हैं, और पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए हैं वो। देखो, हार जीत प्रजातंत्र में होती रहती है, और वो अपनी हार को भी पचा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वो एक ऐसे अहम मुद्दे पर जो सबसे आस्था से जुड़ा हुआ है, खाली भारत का नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्थिति आस्था से जुड़ा हुआ विषय, उसमें स्वेच्छा से आना चाहिए, भाग लेना चाहिए। राम जी के कोई विषय किसी राजनीतिक दल का नहीं है, वो तो आस्था से जुड़े सभी विषयों का, और किसी धर्म से भी जुड़ा हुआ नहीं। कपिल सिब्बल ने स्वयं ने एक स्टेटमेंट दिया था, वो जब कांग्रेस का प्रवक्ता भी था और एडवोकेट भी कांग्रेस की तरफ से एडवोकेसी कर रहा था, उसने भी और एफिडेविट दिया कि राम सेतु नहीं था, ये काल्पनिक है और राम तो हुए ही नहीं। इन्हें कांग्रेस कभी भी राम में विश्वास नहीं करती। मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस ने जो निर्णय किया ये आत्मघाती कदम है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है उन्होंने। कांग्रेस का निमंत्रण ठुकराना बीजेपी के लिए फायदेमंद माना जा रहा है, उस पर लगता आ रहा तुष्टीकरण का आरोप और मजबूत होता नजर आ रहा है। फैसले का सीधा मतलब ये निकलता है कि कांग्रेस ने चुनावी मौसम में बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान।